राष्ट्रपुत्र जो राष्ट्र हितेशी सपने को साकार करेगा, राष्ट्रपुत्र जो राष्ट्र हितेशी सपने को साकार करेगा, भारत ऐसे युग प्रणेता महापुरुष से प्यार करेगा, ऐसे महापुरुष युग पुरुषों का जीवन में धाम लिखूंगा, मर्यादा की परिभाषा का उत्तर केवल राम लिखूंगा, मर्यादा की परिभाषा का उत्तर केवल राम लिखूंगा। और वो कविता, जिस कविता ने पंकज पंडित को संपूर्ण देश में कविता सुनाने का मुझे मौका दिया, और इतनी महान हस्ती हमारे बीच में जो उपलब्ध है, श्री प्रकाश जी पटेरिया, जिन्होंने अटल बिहारी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं, और कविताएं नहीं पढ़ी, उन्होंने प्रश्न किया है उनसे, और अटल बिहारी जी ने उत्तर नहीं दिया, तो उन्होंने आखिर उत्तर ही उन्हीं ने दिया। ऐसे हम अटल बिहारी जी को तो नहीं देख सके, लेकिन हमने पटेरिया जी को देख लिया, तो हम अटल बिहारी जी से मिल गए। राजन बिलुआ जी को भी आपको सुनना है, जितने लोग केवल मुझे सुनने आए हैं, या मेरे सुनने के मुझे, मैं जो काव्य पाठ करूंगा उसके बाद आप जाएंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, अतिथियों का सम्मान है, प्रथम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, तो कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाकर और पूर्ण आहूत करके ही जाना। मुझे 500 रुपये रिंकू बिधुआ जी ने दिए हैं, और हमारे महनीय, हमारे गांव के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी राजनीति में अपना एक कदम स्थापित किया है, ब्रजवान सिंह जी यादव, एडवोकेट, आयोजन समिति को आपने 500 रुपये का सहयोग राशि प्रदान की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंडित श्री राजीव उपाध्याय जी द्वारा 5100 की राशि प्रदान हुई है कार्यक्रम में, अपनी उन्होंने सहयोग जो किया है ताकि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इन दोनों व्यक्तियों के लिए आपकी तालियां कितनी उठनी चाहिए। केवल मन से कार्यक्रम भी होता है, तन से होता है, लेकिन थोड़ा धन का भी सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये भौतिक बात का है। तो मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। जिस कविता ने मुझे स्थान दिया, भाई साहब इतना जो मेरा ये भूमिका आधा की, इसको कट करवा देना है ना रिकॉर्डिंग में से। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। जब अभी आपको पता है प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में जिसकी स्कूटी पंचर होती है, और पंचर होने के बाद चार व्यक्ति उसके पास आकर उसे बहला फुसलाकर पंचर सुधरवाने के बहाने ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, और सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है। जब विश्वगुरु और सोने की चिड़िया वाले हिंदुस्तान में ऐसे दुष्कर्म और ऐसे कृत्य होने लगे, तो फिर विश्वगुरु और सोने की चिड़िया वाले हिंदुस्तान पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। और जब उस 2.5 वर्ष और 8 वर्ष की छोटी छोटी नवजात बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म होने लगे, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। मेरे मुसलमान भाई भी यहां पर बैठे हैं, कविता आप लोगों ने सुनी है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बात कहना चाहता हूं। कठुआ में एक मुस्लिम बच्चे के साथ दादा दुष्कर्म होता है, जिसका नाम है आसिफा, जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष होती है, आप सोचिए। और जब उस बच्ची का दुष्कर्म होता है, तो देश में सियासत मजहब के नाम पर भी फैल जाती है, और कुछ धर्म के ठेकेदार उस पर भी मजहब की मोहर लगा देते हैं। वो कहते हैं वह मासूम तो मुसलमान है, इसलिए उसे अब तक न्याय नहीं मिला। मैंने पोस्ट देखी, लेकिन मैंने उसका जवाब दिया कि वह मासूम ना ही हिंदू है ना ही मुसलमान है। हमारे देश में एक बार फिर भारत के भविष्य का बलात्कार हुआ है। और जब भारत के भविष्य का ही देश में दुष्कर्म होने लगे, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब छोटी छोटी बच्ची, हमारे भी माँ बहनें बेटियां होती हैं, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो छोटी बच्ची, उसके भाव क्या रहे होंगे, उसकी कल्पना क्या रही हो, लेकिन जब उसके साथ कहीं दुष्कर्म हो जाता है, तो वो हमसे क्या कहना चाहती है, जुड़िएगा। कि दांत नहीं निकले थे मेरे, अभी तो मैं तुतलाती थी। दांत नहीं निकले थे मेरे, अभी तो मैं तुतलाती थी। सूने सूखे पतझड़ में बासंती मौसम लाती थी। अभी अभी तो मम्मम से पानी कहना सीखा था। अभी अभी तो मम्मम से पानी कहना सीखा था। अभी अभी तो छोड़ पेंसिल, पेन से लिखना सीखा था। छुपकर छुपकर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीख रही थी मैं। डोरेमोन को देख देख कर उड़ना सीख रही थी मैं। डोरेमोन को देख देख कर उड़ना सीख रही थी मैं। हर बेटी के नसीब में बाप होता है, लेकिन हर बाप के नसीब में बेटी नहीं होती। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अभी अभी तो बालों में तो चोटी करना सीखा था। अभी अभी तो गिर के उठना और संभलना सीखा था। पर सपने सारे टूट गए, पर सपने सारे टूट गए, और खाक मेरा श्रृंगार हुआ। दागी चेहरा देख के दर्पण टूट गया, शर्मसार हुआ मैं। रंग बिरंगी कली सुगंधी मुरझाया सा फूल हुई, और मर्द सभी पापा जैसे हैं, बस इतनी सी भूल हुई। मर्द सभी पापा जैसे हैं, बस इतनी सी भूल हुई। नहीं रही अब मानवता, मानव को मानव मत बोलो। मानव दानव से बदतर है, इनको दानव भी मत बोलो। अरे खुले आसमां के नीचे अब बेटी घूम नहीं सकती। अब तो बच्ची होकर भी झूले पर झूम नहीं सकती। आबरूना मेरी लुट जाए,
आबरू ना मेरी लुट जाए, ये सोच सोच घबराती है, इसी बात के भय से बेटी कोख में ही मर जाती है।